यार वही वही यार वही वही यार वही वही यार यार वही वही यार वही वही यार वही वही यार यार वही वही यार वही वही यार वही वही यार यार वही वही यार वही वही यार वही वही हम असली शेर हुबाई वाला वाला हुबाई वाला कई लोग को डुबाया कई लोग को डूबने से बचाया समझा हमारा दुश्मन पार्टी का माल आप ही लोगों ने डुबाया है हा? आपका साथी लोग तो कब से आ चुका है वाला हमारा साथी हाँ हाँ चलिए चलिए ऐसे सीधे जाना उल्टी तरफ मुड़ जाना सब लोग अंदर है सब लोग अंदर है हाँ अच्छा खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज शेख उस्मान बिन साले शेख अब्दुल रशीद बटाटा सलाम अलैकुम शेख अबरार अली शेख अबू बकर इस बार होशियारी से काम लीजिएगा पहले जैसा नहीं होना चाहिए वल्ला फिकर मत करो बिरादर सब गुल गुलजार होगा अब कबार हम सोने का बिस्कुट हेलीकॉप्टर में भेजेगा जो खेत में भी उतर सकता मैदान में भी उतर सकता तुम अपना सहूलियत के मुताबिक जगह तजवीज करो हेलीकॉप्टर किधर उतरेगा जाने मैप चलिए शेख बताता चलिए चलिए ये है पोवा यहां से एक सड़क जाती है झोलापुर तक झोलापुर से 36 किलोमीटर पे एक गांव है आस्था पथरीला मैदान है हेलीकॉप्टर उतरने के लिए ठीक रहेगा जिन वल्ला जिन 15 दिसंबर का शाम को हेलीकॉप्टर का आवाज सुनो तो वही मैदान से झंडा का 3 सिग्नल क्या समझा झंडा का 3 सिग्नल शेख आप लोगों में से हेलीकॉप्टर में माल लाएगा कौन हम में से कौन नहीं लाएगा सिर्फ चलाने वाला होगा हाँ। लेकिन वो ना हमको पहचानेगा ना हम उसको पहचानेंगे फिर वो माल देगा कैसे तुम भी कैसा बात करता है हम लोग गैर मुकम्मल काम नहीं करता है ये कागज वसूली का परवाना है आधा तुम अपना पास रखो आधा पायलट के पास मिलाएगा पायलट दोनों फटा टुकड़ा को मिलाएगा जो भी ये टुकड़ा उसको देगा वो 5 करोड़ रुपया का सोना वसूल पाए वेरी गुड आइडिया शेख साहब वेरी गुड आइडिया शुक्रान शुक्रान काम की बात खत्म है अब तफरी की बात हो हमने आपकी खातिरदारी के लिए बहुत कुछ इंतजाम किया चलिए जरूर जरूर गुड लक फॉर 5 करोड़ छुट्टन वाह 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 बड़ी उम्दा सेंट लगा कर आई नहीं चलो नहीं नहीं अरे एक बार पूछ क्या है नहीं छुट्टन कहाँ जा रही हो मैं जाती हूँ नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा देन लो मस्ती क्या मजाक है छुट्टन तेज घंटी की आवाज कहीं पुलिस तो नहीं आ गई पुलिस मैं देखती हूँ अरे कांता तू हाँ बाप रे मुझे देख के बड़ी इत्मीनान की सांस ले जा रही नहीं नहीं तो बाबा बोल ना क्या बोलती है ए, अंदर तो आने दो मुझे अंदर भी आएगी क्यों क्या बात है बहुत घबराई हुई है नहीं तो कुछ भी नहीं नहीं कुछ तो है सच्ची कुछ भी नहीं मैं सब जानती हूँ तुझे सब कुछ मालूम हो गया अकेली मुझे नहीं सब सहेलियों को पता है सबको मालूम हो गया यही शोर मचा है सारे शहर में क्या कि तुमने छुट्टन को छुपा कर रखा है कांता देख कांता तेरी कसम उन्होंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया उन्होंने तो
अपनी जान बचाने के लिए पुट्टन का खून किया। क्या क्या कहा तूने? छुट्टन ने पुट्टन का खून कर डाला? खून? खून? तूने ही तो कहा कि तुझे सब कुछ मालूम है। खून के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो तुम दोनों के प्रेम का जिक्र कर रही थी। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, बदहवास में क्या क्या बता बैठी, मर गई। तू परेशान मत हो शैला, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पूनम को भी नहीं बताऊंगी। अरे उसको तो बताना ही मत, वो पुट्टन से प्रेम करती है। देख कांता, प्लीज कांता, इस राज को राज ही रखना प्लीज। ये राज राज ही रहेगा। कांता, देख कांता, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात फैलने ना पाए, वरना वरना पुलिस यहाँ तक आ पहुँचेगी, मेरे घर की तलाशी लेगी, और फिर मेरे कबर्ड में छुट्टन की खून भरी जर्किन है, अगर वो मिल गई तो दौड़ हो जाएगा, मर गई। किसी को नहीं बताऊंगी। ये रात की बातें देख किसी को नहीं बोलना। अच्छा, अच्छा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं चलती हूँ। हाँ शैला। क्या? कुछ नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। कांता। क्या? देख ये रात की बातें किसी को नहीं बोलना प्लीज। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं क्या? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भरोसा तो है। ये रात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जबान से निकल जाएगा। ध्यान रखना। किसी से नहीं बताऊंगी। छुट्टन ने पुट्टन का खून कर दिया, किसी से मत कहना। छुट्टन ने पुट्टन का खून कर दिया, किसी से मत कहना। छुट्टन ने पुट्टन का खून कर दिया, किसी से मत कहना। पूनम, क्या हो गया तुम्हें? खून भैया, मेरे पुट्टन का खून। क्या? तुम्हारा पुट्टन? मेरा मतलब है दीवान बहादुर का बड़ा बेटा, छोटे बेटे ने खून किया। यकीन नहीं होता भैया, यकीन नहीं होता। क्या कहे इंस्पेक्टर साहब, मेरे छोटे बेटे ने बड़े बेटे का खून कर दिया, अभी तक आपको पता नहीं चला? ये खबर तो आपकी तरफ पहुंच चुकी है। जी नहीं, आप बिल्कुल यकीन न कीजिए, कोई उनकी नई शरारत है। बाप आराम से बैठे तो ना खाना नहीं हजम होता। आपका ख्याल है ये सच नहीं है? जी हाँ। अच्छा सर, आज की रात चरित्र कुमार बाप को परेशान करने से अब तक बाज नहीं आया। यही है वो जो उस दिन झांसा देकर अंदर घुसाया था। पूरे 40 चोर हैं। आप इनके अली बाबा है क्या? दीवान बहादुर को यकीन है कि ये सब झूठी अफवाहें हैं। बिल्कुल सच्ची है इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सच्ची है। कौन हो तुम? मैं वकील वरदराज का सब कुछ हूँ। क्या है? आपकी बात में बिल्कुल हकीकत है। हकीकत? ये देखिए पतंग, छुट्टन ने शैला के नाम संदेश लिख भेजा है। महाबलेश्वर चले, घरेलू झगड़ा है, फैसला करके रहेंगे। अब फैसला हो चुका। बड़े भाई को भगवान के गोदाम में पहुंचा के छोटा हमारे गोदाम में पहुंचा हुआ है। तुम्हारे गोदाम में? जी हाँ, और मौका पाते ही मैं कपबोर्ड से मैं जर्किन उठा लाया। ये दूसरा सबूत। मिस्टर हीरा, टेक केयर ऑफ दिस। दूसरा सबूत और जर्किन? ये 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 खून भरा जर्किन छुट्टन का है? जर्किन छुट्टन का है, खून उसका नहीं, किसी और इंसान का है। बोल तो कौन है? मैं सी आई डी, मेरा बाप सी आई डी, मेरी माँ सी आई डी, मेरा सारा खानदान सी आई डी। बोल दो इसे। पार के आगे भूत भी भागता है बॉस। अरे यार, तुम लोग मेरे को छोड़ के देखो, मैं भूत से भी तेज भागूंगा।
सीधी तरह सब कुछ बता दे। अली बाबा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमको क्या बताऊं। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मेरे को मारो नहीं। बदन पर कोड़ों के निशान देखकर मेरी माँ बहुत रोएगी, बहुत तड़पेगी, जैसे मछली। तो रोने लगा। ये सीआईडी नहीं लग रहा। से तो आने के लिए कह रही है, मगर हाथ से। आइए आइए, अब हाथ से भी आने के लिए कहती हूँ। आइए, जरूर आइए, बिल्कुल आइए, बेशक आइए, मना आने में क्या हर्ज है। आइए। आपका गोदाम किधर है जी? गोदाम? जी हाँ, देखिए, आप मेरी बहन की बहुत अच्छी सहेली है, इसीलिए मैं आपके साथ सख्ती बरतना नहीं चाहता। मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। फर्ज? तो क्या आपको सब कुछ मालूम हो गया? जी हाँ। यकीन कीजिए, छुट्टन खूनी आदमी नहीं है, वो तो अनजाने में कत्ल हुआ। वैसे भी उनका ये पहला ही कत्ल है, और पहली गलती तो हमेशा माफ की जाती है इंस्पेक्टर साहब। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं इसका जिम्मा लेती हूँ। आप तकलीफ न कीजिए, कानून खुद जिम्मा ले लेगा कि उन्हें दोबारा ऐसी गलती करने का मौका ना मिले। चलिए गोदाम दिखाइए। प्लीज इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं गोदाम दिखाइए। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। अजी मुलाकात का जी चाह था तो खबर भेज देते, मैं खुद पहुंच जाता। मस्करापन छोड़िए, मेरे सवाल का सही जवाब दीजिए। श्योर श्योर इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप खड़े क्यों? बैठिए। ये बताइए पुट्टन कहाँ है? पुट्टन? इंस्पेक्टर साहब, ये जो पुट्टन है ना, अरे क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, ये जो पुट्टन है ना, आगे बढ़िए, वो अभी तक है क्या? यही तो मैं कह रहा था इंस्पेक्टर साहब, ये जो शैला देखते नहीं इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से पंगा चालू करो ना। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस को देखते मेरे पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन आप भी क्यों छूट रहे हैं? शायद गुस्से की गर्मी से। ये चाकू पंखे 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 पर था, वहां छुपा कर रखा था। ये वही चाकू है जिससे पुट्टन? जी 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 जी। अबे ये बताओ आधा चेक कहाँ है? अली बाबा गरजो मत, हमको डर लगता है। वो आधा चेक चिट्ठी में रखकर लिफाफे में बंद कर हमने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया है। अपने छोटे भाई को सारा स्कीम समझाया है, उसको महाबलेश्वर बुलाया है, ये सब सच बात है। हमारा टाइम हो गया, हम जाता है। ए, इतना और बता दे, तेरे भाई का नाम और पता क्या है? वो जी मेरे छोटे भाई का नाम है चरित्र कुमार उर्फ छुट्टन, केराव दीवान बहादुर अटल राय, मलबार हिल बॉम्बे। बाय बाय। मेरे आदमी तुम्हें पहुंचा देंगे पूरी इज्जत के साथ वैकुंठ तक। तुम आदमी का पैजामा, हमारे घर का नाम वैकुंठ नहीं है, हम लोगों के घर का नाम है गुलिस्तान। गुलिस्तान ये तो बेहोश हो गया। इसे भारी पत्थर के साथ बांध के झील में डुबा। बालू पत्थर कस के बांधा ना? हाँ कस के बांधा है, पल भर में इसको तह तक पहुंचा देगा। नहीं, पानी वहां गहरा है,